नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में आज डबल मंडी लगी है। मौसम आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम यहां पर बना हुआ है। डबल मंडी इसलिए लगी है, कल सोमवार का दिन है, कल मंडी बंद रहती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में खरीदार आज के लिए और कल के लिए सब्जियां खरीदने के लिए सोलन सब्जी मंडी में पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह का वक्त है और सभी दर्शकों को का दिन मंगलमय हो, माता रानी की कृपा बनी रहे। और इस वक्त आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं और सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में लोकल सब्जियां आज पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त मंडी आपको नजर आ रही है तस्वीरों के माध्यम से। लोकल सब्जियों की भरमार और सब्जियों के जो रेट है उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आज देखने को मिला है। कई सब्जियों के भाव गिरे हुए हैं, कईयों के चढ़े हुए हैं और मैक्सिमम जो सब्जियां हैं वो 10 और 20 रुपए के बीच में इस वक्त बिक रही है। 15 रुपए से लेकर 18 रुपए के बीच में सब्जियों के दाम बने हुए हैं। तोरी 20 रुपए प्रति किलो है और जो लोकल सब्जियां इस वक्त आप शिमला मिर्च भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अभी शिमला मिर्च यहाँ पर बिक रही है। और टमाटर सोलन सब्जी मंडी में सुबह सुबह टमाटर की क्रेट भी आप इस वक्त देख रहे हो। हालांकि बुनियाँ जो लगती है टमाटर की वो बाद में लगती है, लेकिन जो लोकल रिटेलर होते हैं जो सोलन और इसके आसपास के क्षेत्र जहाँ कंडा घाट है, कसौली है, तो बहुत सारे रिटेलर अभी सब्जियां टमाटर खरीद कर जाते हैं। और जो टमाटर यहां पर बिक रहा है वो 250 रुपये प्रति क्रेट तक बिक रहा है, 100 रुपए से लेकर 250 रुपये प्रति क्रेट। लेकिन बाजार में यह अलग बात है कि ये टमाटर अब 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा, जो 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रिटेलरों ने यहाँ पर खरीद की है। मुनाफाखोर इस वक्त पैसा काफ़ी कमा रहे हैं। 40 रुपए टमाटर अभी भी बाजारों में बने हुए टमाटर के रेट, जबकि 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त टमाटर बिक रहा है। और लोकल बंद गोभी, लोकल फूल गोभी मंडियों में लगातार आ रही है। तस्वीरें इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं और 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में रेट बने हुए हैं। और इस वक्त लगातार गोभी की आवाजें आप देख सकते हैं किस कदर यहां पर लगी हुई है। सोलन सब्जी मंडी कद्दू इस वक्त 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। और काका भाई हर रोज दे रहा हूँ तो ले ले, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, नंगा आएगा यहाँ से। आज बोल दिया हमारे साथ भाई जी, टमाटर बिक रहा है 250 से 300 रुपए क्रेट भाड़ी। अदरक जो बिक रहा है, अदरक 100 रुपए किलो भाड़ी, मूली 10 रुपए, फूलगोभी 35 से 40, मटर 90 रुपए, प्याज 22 रुपए किलो हो गया सस्ता आज, बंद गोभी 800 रुपए कट्टा 780, घिया 15, कद्दू 10 और बैंगन 15, और आपका फूलगोभी जो लोकल आई हल्के किस्म की 20 रुपए, धनिया 60 रुपए किलो जी, बाकी बीन बिकेगी 47 रुपए किलो जी। और मूली, मूली 10 रुपए किलो खुला रेट है जी। शिमला मिर्च 30 रुपए किलो जी। आलू पहाड़ी 30 रुपए की। और करेला 15 रुपए किलो जी। और लहसुन जी 150 रुपए बिका जी। फ्रूट का क्या रेट है? फ्रूट में पपीता बिक रहा है जी 34 रुपए और संतरा 1400 का करेट। जय श्री श्याम। सेब 100 रुपए किलो जी। धन्यवाद। और काका भाई ने एक ही स्पीड में सारे रेट बता दिए हैं और हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक जानकारी भी मिली होगी किस तरह के रेट सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त चले हुए हैं। फ्रासबीन में आज थोड़ी 2 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, 4700 रुपए प्रति किलो तक फ्रासबीन सोलन सब्जी मंडी में बिक सकती है। हरा धनिया के भाव ज़्यादा आज गिरे हैं और हरा धनिया इस वक्त 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है, जबकि हरे धनिया के रेट 100 रुपए के आसपास बने हुए थे। और अरबी आप देख सकते हैं जो 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज खरीद हुई है। और घड़ियाली 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज घड़ियाली की खरीद हुई है।
बड़ी संख्या में यहाँ पर मूली आप देख सकते हैं, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मूली सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रही है। और सोलन सब्जी मंडी की रौनक के सुबह सुबह डबल मंडी, और कारण है कि आज कल सोमवार का दिन है, सोमवार को मंडी बंद रहती है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में खरीदार सब्जियों की खरीद के लिए सोलन सब्जी मंडी में पहुंचे हुए हैं। और लाहौल स्पीति की गोभी भी हम आपको दिखाते हैं, जो 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है लाहौल स्पीति की गोभी। और चलिए बोल, भिंडी भिंडी का रेट, भिंडी दी है ये 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो के हिसाब से भिंडी इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। और घिया 15 रुपए, कद्दू 15, घिया 15 रुपए, पिंडोल 20 रुपए, और जी बैंगन 20 रुपए किलो है, तोरी भी 20 रुपए, और झींगा तोरी है 30 रुपए किलो, अरबी 35 रुपए, गंडियाली 25 रुपए है। और नींबू 50 रुपए किलो है, नींबू 50 रुपए, जिम्मेदार का नींबू है तो 100 रुपए किलो भी बिक सकता है। और जिम्मेदार का जो इस वक्त किसान भाई देख रहे हैं तो उनका नींबू 100 रुपए प्रति किलो भी बिक सकता है। टमाटर इस वक्त आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी में, रवि 200 रुपए, हाँ 2 गोली 60 रुपए, माल लाल है बेटा, खत्म माल है। और सोलन सब्जी मंडी के इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाहौल स्पीति की गोभी जो पेटियों में इस वक्त मंडियों में पहुंच रही, पेटियों के माध्यम से 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक आज लाहौल स्पीति की गोभी बिकी है। और इसमें लाहौल स्पीति की गोभी के जो रेट थे वो 50 रुपए से ऊपर बिक रहे थे, लेकिन थोड़े दामों में गिरावट देखने को मिली है। और लाहौल स्पीति का जो मटर है वो 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। लहसुन के रेट भी वही बने हुए 140 रुपए प्रति किलो तक। और सुबह सुबह का वक्त है, टमाटर की बोली भी लग रही है, और आप देख सकते हैं 70 रुपए की गोली टमाटर की बोली इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से काका भाई की दुकान है। और टमाटर आप देख रहे हैं लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त ये कर दो 18 पूरे 18 2200 रुपए, 5, 10, 14, 18 ग्रेड 250 रुपए जी, बढ़िया टमाटर एक नंबर। और 250 रुपए ग्रेड के हिसाब से टमाटर यह बिका है। और आप देख सकते हैं कि बाजार में जो टमाटर के रेट है वो 40 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं उतरे हैं, और यहाँ पर 25 किलो की क्रेट 250 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिकी है। टमाटर की क्वालिटी आप सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त देख रहे हैं, और हर सब्जियों के हम आपको भाव बता रहे हैं। इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में काफ़ी रौनक लगी हुई है, प्याज की मात्रा, प्याज बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुँचा हुआ है, और आलू भी की लगातार आपूर्ति मंडी में इस वक्त हो रही है। लगातार सब्जियों का आना सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त जारी है, और आप देख रहे हैं जो खरीदार है वो सब्जी खरीद कर यहाँ से जा भी रहे हैं लगातार, क्योंकि आज डबल मंडी है, सब्जियां भी डबल पहुंची हुई है और दिनों की तुलना में, कारण है कि बड़ी संख्या में खरीदारों ने जो गोभी 20 रुपए बिक्री थी उसके दाम फिर से गिर गए हैं, 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोकल गोभी इस वक्त बिक रही है। गोपाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनकी तरफ से हमारे को मैसेज भी आया है, गुड मॉर्निंग जी। और टमाटर देख रहे हैं, टमाटर की अभी बोलियाँ भी लगेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है आप इस तरह की क्वालिटी का टमाटर देख सकते हैं जो 250 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिका है 250 रुपए प्रति क्रेट। और ये जो गोली है ये 70 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिकी है, और बाजार में इसका रेट डबल से भी डबल होगा, क्योंकि आजकल जो टमाटर के रेट हैं तो 40 रुपए प्रति किलो बाजारों में चले हुए हैं, जबकि यहाँ पर 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। सोलन कसौली और कंडाघाट के जो रिटेलर हैं वो अभी सब्जियों की यहाँ पर खरीद कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि 250 रुपए के हिसाब से उन्होंने टमाटर खरीदा है, और थोड़ी देर बाद वो जब अपनी दुकानों में टमाटर को सजाएंगे तो यही टमाटर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा। इस तरह से उपभोक्ताओं के साथ थोड़ा धोखा भी हो रहा है और उन्हें ठगा भी जा रहा है। संबंधित विभाग शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मुनाफाखोर है वो चलानों से भी अब नहीं डर रहे हैं। अभी हाल ही में खाते आपूर्ति विभाग ने ज़्यादा मुनाफा कमा रहे रिटेलरों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी, 35 के खिलाफ, और उन्हें जुर्माना भी किया था, लेकिन जुर्माने की रकम अदा करने के बाद भी
वो महंगे दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं। अभी भी स्थिति बनी हुई लाहौल स्पीति की गोभी आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं। लाहौल स्पीति की गोभी 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रही है। लाहौल की जो ही प्रेम ठाकुर जी आप देख रहे हैं गोभी जो 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है, और जो लोकल गोभी है 15 से 20 रुपये के आसपास से बिकी है। कोई परिवर्तन ना हुआ हो भाव में 10 मिनट में तो पता नहीं, वो पूछ लेते हैं। और 40 रुपये प्रेम ठाकुर जी, सॉरी, हमें 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लाहौल स्पीति की गोभी बिकी है, जो हमें अब काका भाई ने जानकारी आधिकारिक रूप से दी है। पहले 35 बताया गया था, 40 रुपये के हिसाब से लाहौल स्पीति की फूल गोभी सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है गोभी की, और इस वक्त बंद गोभी के रेटों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 30 से 40 रुपये के हिसाब से बंद गोभी भी आज यहाँ पर बिकी है। सोलन 30 से 40 नहीं, 20 रुपये, 15 से 20 रुपये के हिसाब से बिकी है, और जो 40 रुपये के हिसाब से है लाहौल स्पीति की गोभी इस वक्त बिकी है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह की रौनक मंडियों में छाई हुई है। लगातार गोभियों के रेटों को और खरीदार यहाँ पर बड़ी संख्या में, अमरूद यहाँ पर पहुँचा हुआ है, अनार यहाँ पर है, सब्जियों के रेट, और लाहौल स्पीति का इस वक्त आप मटर भी देख सकते हैं। और मटर जो लाहौल स्पीति का है वो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में लाहौल स्पीति का मटर यहाँ पर बिका है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम भी चाहेंगे कि वो सोलन सब्जी मंडी के रेटों के देखें और फिर बाजार के रेटों का कंपेयर करें, और बाजार में मंडियों की तुलना में बेहताशा दाम इस वक्त सब्जियों के देखने को मिल रहे हैं। और आपदा की इस घड़ी में लोग पहले ही परेशान हैं, और ऐसे में जो मुनाफाखोर है लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जुर्माना करना समस्या का हल नहीं है, क्योंकि वो पैसा पहले ही ज़्यादा कमा रहे हैं, और थोड़े से 5-7 हज़ार रुपये का यदि जुर्माना का अदा करना पड़े। और बंटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्याज और आलू के दामों की जानकारी हमें लगातार देते हैं, और प्याज का ट्रक भी पहुंचा हुआ, कहां से आया है बंटी जी हमें बताएंगे। प्याज भौजी ये दिल्ली से आया हुआ, ये बिक रहा है 24 रुपये किलो, और दिल्ली का प्याज आप देख सकते हैं कि दिल्ली से प्याज यहां पर पहुंचा हुआ है 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है। बड़े कट्टे भी 24 रुपये जो गाड़ी में है अभी। अच्छा, ये 24 रुपये है। हाँ जी, प्याज तो 24 रुपये खड़ा है अभी। ये कहां से आया है प्याज? ये दिल्ली से। दिल्ली का प्याज, नासिक का? नासिक से आता है दिल्ली। अच्छा, दिल्ली की मंडी से आया। हाँ जी। और आलू भौजी ये हमारे पास डायमंड आलू है, ये बिक रहा है 14 रुपये किलो, 13 रुपये किलो। डायमंड आलू कहाँ से? ये नीचे पंजाब का। अच्छा जी। और देसी आलू बिक रहा है 8 से 10 रुपये किलो। 10 रुपये। और पहाड़ी आलू था जो आपका? पहाड़ी आलू बिक रहा है 28-30 रुपये किलो। 28-30। और बंटी जी है जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे को देखते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त प्याज पहुंचा हुआ है दिल्ली से, दिल्ली की मंडी से, आज़ादपुर मंडी, सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मंडी एशिया की भी, और वहां पर आज़ादपुर मंडी से प्याज पहुंचा हुआ है जो 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है। टमाटर आप देख रहे हैं, सोलन सब्जी मंडी में लगातार टमाटर की आपूर्ति हो रही है, और ये टमाटर जो सजाया जा रहा है, इनकी अभी बोलियाँ लगनी है थोड़ी देर बाद 7 या 8 बजे के आसपास, क्योंकि अभी किसान टमाटर लेकर आ रहे हैं, और आजकल जो बोलियाँ हैं वो थोड़ी देरी से शुरू होती है 9 बजे के बाद ही। और टमाटर के जो दाम है, हमने बताया जो सुबह सुबह बोली लगी है 250 रुपये प्रति ग्रेड के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त सब्जियां आज बिकी है। सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहा है, और जो सब्जियाँ 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रही थी, अब वो 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज सब्जियां बिक रही है। और तोरी और बैंगन, इनमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। और जो लोकल सब्जियां हैं जो आजकल जिनका उत्पादन चला हुआ है, जैसे शिमला मिर्च है, फ्रांस बीन के रेट 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मैक्सिमम आज रेट है। शिमला मिर्च 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिकी है। और जो लोकल गोभी है, लोकल गोभी का जो दाम है उस वक्त 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज लोकल गोभी बिकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सोलन सब्जी मंडी की,
सोलन सब्जी मंडी में और काका भाई लगातार सक्रिय हैं और सब्जियों का इस वक्त बेच रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी की एक तस्वीर है, आप सुबह सुबह का वक्त है, बड़ी मात्रा में सब्जियों की आपूर्ति सोलन मंडी में, मंडी के रेट अब गिर गए हैं, जो 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अभी बिक रही थी अब 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोभी बिक रही है। और आप लगातार सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें, सुबह सुबह का वक्त, बड़ी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं और हम उन्हें अपडेट रखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सब्जियों के इस वक्त भाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम भी इसी तरह का बना हुआ है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीर, कहाँ से आए भैया, क्या क्या लेकर आए हैं? शिमला मिर्च लाए थे। क्या रेट बिकी? 30 रुपए। शिमला मिर्च के रेट ठीक बने हुए हैं ना पूरा सीजन। टमाटर भी लगाया है? टमाटर क्या भाव बिक रहा है? 300। तो 300 रुपए में क्या लगता है कि 250? ये तो घाटे का ही सौदा ही लग आता, मेहनत भी नहीं आ रही है। क्या नाम आपका? मेरा मन बहादुर जी। और मन बहादुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं और बावड़ा से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका कहना है कि जो टमाटर है उसे अब मेहनत भी पूरी नहीं हो रही। बात भी सही है, 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। जो आपका टमाटर है 250 रुपए यहाँ बिक रहा है, मतलब 10 रुपए प्रति किलो, बाजार में बिक रहा है 40 रुपए, तो मुनाफाखोर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और किसान दुकान वाले ज्यादा कमाते हैं। और सही बात है, और आप देख रहे हैं मन बहादुर का भी सवाल यही है कि किसान का जो टमाटर है इस वक्त 250 रुपए बिक रहा है और मुनाफाखोर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कमा रहे हैं और दुकानदार पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों के लिए थोड़ी चिंता की बात भी है। और इस वक्त तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं, सोलन सब्जी मंडी की रौनक आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर जो सब्जियों की खरीद है वो जारी है। आज डबल मंडी लगी है, भारी मात्रा में सब्जी भी पहुंची और भारी संख्या में खरीदार भी यहां पर पहुंचे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का इस वक्त स्वागत है और हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी दर्शकों का भगवान से, माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है। और सोलन सब्जी मंडी में आज भारी संख्या में सब्जियां पहुंची हुई है, भारी संख्या में खरीदार इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कल डबल मंडी लगनी है। और डबल मंडी लगेगी तो कल छुट्टी है, आज डबल मंडी लगी हुई है, कल छुट्टी का दिन है, सोमवार है और सोमवार को जो मंडी होती है वो बंद होती है। और यही वजह है कि आज जो खरीदार हैं वो बड़ी संख्या में है क्योंकि उन्होंने आज की सब्जी भी खरीदनी है और कल के लिए भी सब्जी खरीदनी है। और यही वजह है कि सोलन सब्जी मंडी में आज जो रौनक हैं पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी अधिक है। लेकिन सब्जियों के रेटों में काफ़ी उतार चढ़ाव इस वक्त देखने को मिल रहा है, कभी भाव बढ़ रहे हैं, कभी भाव घट रहे हैं। और आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है सोलन सब्जी मंडी में, मैक्सिमम जो सब्जियों के जो रेट हैं वो 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहे हैं। केवल कद्दू ही है जो 10 से 15 रुपए के बीच में है, बाकी जो सब्जियां हैं 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। और जो लोकल सब्जियां हैं, जैसे लोकल सब्जियां इस वक्त चली हुई है, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन, उनके दामों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। शिमला मिर्च के जो रेट हैं वो इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में शिमला मिर्च बिक रही है 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और जो फ्रांस बीन है 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। लोकल फूलगोभी 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि बंद गोभी का जो रेट है वो भी 15 से 20 रुपए के बीच में इस वक्त चला हुआ है। और घिया 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तोरी का रेट में तेजी देखने को मिली है 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, बैंगन 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। और खीरा भी 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, प्याज में 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, आलू लोकल जो है वो 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। तो कुल मिलाकर सब्जियों में थोड़ी तेजी आज देखने को मिली। अदरक 100 रुपए प्रति किलो है और हरा धनिया के दाम गिरे हैं, 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। लाहौल स्पीति की गोभी 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। और सबसे बड़ी बात, टमाटर है जो बाजार में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं वो मंडी में आज 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, 250 रुपए प्रति किलो। किसान का कहना, जो हमने मन बहादुर से बात कराई तो मन बहादुर का भी कहना है कि अभी
लागत भी इस वक्त पूरी नहीं हो रही, मेहनत भी पूरी नहीं हो रही, ये स्थिति सब्जियों की इस वक्त बनी हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की एक बार फिर से देख सकते हैं।